शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के 3 बजे ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोल दिए गए थे। मंदिर के खुलने के साथ ही माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गईं और सुबह 6 बजे के करीब श्रद्धालुओं की लाइनें पुराने बस स्टैंड को पार कर गई थी। मंदिर अधिकारी अजय मंडियाल तड़के ही व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते नजर आए और मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को लाइन व्यवस्था बेहतर बनाने और भीड़ को जल्दी जल्दी निकालने के आदेश दिए। वहीं मंदिर में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड और पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था बनाए हुए हैं। अजय मंडियाल ने बताया कि पहले नवरात्र को सुबह 3 बजे मंदिर खोल दिया गया था ताकि श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से माता रानी के दर्शन कर सकें। इसके अलावा मां ज्वाला देवी मंदिर में भी भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। भक्त वहां पर पवित्र ज्वाला के दर्शन करने पहुंचे थे। इसी बीच फूल और मालाओं से पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला हिमाचल प्रदेश के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।